इस बार राम मंदिर ला रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी और क्या। अच्छा, क्यों बीजेपी की? उसी की हवा चल रही है, लोग अच्छे का काम किए, राम मंदिर बना और कई तरह के काम हुए, अच्छा काम किए। दिखते हैं, देखा कब? एक दो बार देखा हूँ इलेक्शन के टाइम में। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में गए? सच बोला हूँ, बीच में तो मैं नहीं था ना। काम बहुत अच्छा किए है मैं शर्मा। तो बात वो किसान नहीं है, आप ये बताओ, मैं बताता हूँ, वो खालिस्तान, खालिस्तानियों का समर्थन है। और जो उसमें बेचारे कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, बुजुर्ग लोग, वो उनके कहे में आ रहे। संसद में आंख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, संसद में आपने नहीं देखा है? उनका कोई ठीक ही नहीं है, कब वो कहाँ है नहीं है उनका कोई ठीक ही नहीं रहता है। कहीं कभी कहीं, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी कहाँ रहेंगे, कोई ठीक ही नहीं है उनका। देख लो ना, एक महीने पीछे ही राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, और कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देश के लिए या वहाँ का व्यापार भी बढ़ा है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि मंदिर बनने से व्यापार नहीं बढ़ता। बिल्कुल बीजेपी आएगी और बीजेपी जरूरी है देश के लिए। राहुल गांधी का मुश्किल से पूरा देश में मिला के 10। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जो है वो बज चुका है। जी हाँ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। तमाम सियासी दल जो है वो अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं जनता को रुझाने में, और साथ ही उनको अपने पाले में लाने के लिए। हम लोग इस वक्त आम जनता के बीच में मौजूद हैं। जी हाँ, हम लोग इस वक्त नोएडा के अट्टा मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार वो क्या चाहती है, किसकी सरकार बने, और जानेंगे कि आम जनता के दिल में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, सरकार कैसा काम कर रही है। ये तमाम जवाब आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ये अट्टा मार्केट है नोएडा की, और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि महेश शर्मा जो है नोएडा से, महेश शर्मा जो है वो सांसद के तौर पर यहाँ पर हैं, और उनको अब की बार भी टिकट दिया गया है। चलते हैं हम लोग अट्टा मार्केट में, जानते हैं जनता क्या चाहती है, क्या उनके दिल में चल रहा है, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, अंजलि प्रजापति है। क्या करती हो? कुछ नहीं, ये दिवाली का, वो होली का सामान बेच रहे हैं। अच्छा, एक बार बताओ, क्या लगता है अब की बार इलेक्शन है, क्या चाहती है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार चाहती हूँ मैं तो। क्यों, बीजेपी ने क्या काम करा है? उन्होंने हमारे लिए घर बनवाया है, बिजली दी है, पानी भी दिया है, हमारे घर पे सब कुछ दिया है। अंजलि पढ़ाई करती हूँ? हाँ, अभी मैंने इंटर किया है और बीए में फॉर्म डाला हुआ है, फर्स्ट ईयर है मेरी। बीजेपी ने पिछले 5 साल में क्या क्या काम करा? मेरी नजर में तो बहुत कुछ किया है। देश का युवा खुश है बीजेपी के? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या नाम है? राहुल कुमार। कुमार कहाँ के रहने वाले? बिहार। नीतीश कुमार को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या पीएम पद पर नीतीश कुमार को आप देखते हैं? नहीं। वजह? वो बदलू चाचा हैं। बदलू चाचा हैं? वो हर एक बात में बदलते हैं। अच्छा, उनका कोई ठीक ही नहीं है, कब वो कहाँ है नहीं है उनका कोई ठीक ही नहीं रहता है। कहीं कभी कहीं, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी कहाँ रहेंगे, कोई ठीक ही नहीं है उनका। हाँ, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार से। नीतीश कुमार को पीएम के पद पे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही बदलू आदमी को कौन देखेगा, कभी इस दल में, कभी उस दल में, जब कुर्सी मिले तभी छोड़ देगा, उसको पीएम बनाने का क्या मतलब? महेश शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे सांसद हैं और अब दोबारा टिकट, कैसा काम है? महेश शर्मा तो ठीक ही है, बीजेपी से हैं और काम वाम यहाँ तो ठीक ही है। देखा कभी आपने यहाँ आते हुए, कभी किसी प्रचार आते हुए तो नहीं देखा उनके लिए, उनको नहीं देखा कभी भी आते हुए नहीं देखा। क्या चाहते हैं आपके, किसकी सरकार आप देखें? बीजेपी की और किसकी सरकार? जनता के लिए क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? क्या नहीं किया ये बताइए, क्या नहीं किया बताइए ना। चलो, पिछले 10 साल छोड़ो, आप पिछले 5 साल में बता दो, क्या काम करा है बीजेपी? क्या नहीं किया, आप पीछे देख लो ना, एक महीने पीछे ही राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, और कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देश के लिए या वहाँ का व्यापार भी बढ़ा है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि मंदिर बनने से व्यापार नहीं बढ़ता। टूरिस्ट बढ़ते हैं, काम होता है, वहाँ के छोटे मोटे व्यापारी भी अपना रोजगार चला सकते हैं। अगर यहाँ कोई चीज़ बनती है तो यहाँ व्यापार हब होता है, तो यहाँ भी व्यापार बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल ही बन जाए, लोग कहते हैं हॉस्पिटल बन जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है।
जो हमारी आस्था है उसको भी लेके चलना पड़ता है। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव गठबंधन वाले लोगों से कोई ऑप्शन नहीं। क्या है अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, ये तो सरकार उनकी थी, तो इसमें अखिलेश यादव को क्या चुनना? अगर सरकार नहीं है, क्या बोल रहे हैं, बीजेपी आएगी? बिल्कुल बीजेपी आएगी, और बीजेपी जरूरी है देश के लिए। कैसे? अरे सारे काम करे हैं, रोड देख लो आप और मकान देख लो, कितने सारे लोगों को मिल गए। गांव में पहले झोपड़पट्टी हुआ करती थी, एक के घर में आग लगती थी पूरे गांव में आग लगती थी। आज बताओ मुझे किसके घर पे झोपड़पट्टी है गांव में? है, आप मुझे बता दो, फूस का घर बोलते तो इसको है किसी यहाँ? राशन सबको मिल रहा है, सड़कें बन गई हैं। सड़कें को आप सड़कों क्या समझते हो? एक अगर कहीं गड्ढा हो वहाँ पे आदमी ब्रेक ले और पीछे से गाड़ी आए, ट्रक वाला ना ब्रेक ले पाए, एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। तो सड़कों बहुत बड़ी चीज़ है ये सड़क, जो हाईवे इतने सारे निकल गए। पक्ष तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, भ्रष्ट पार्टी है, ये सब आरोप लगाता है। देखो ऐसा है, अब आप विपक्ष में हो, अगर आप ये कह लो भाई इन्होंने बहुत काम किया है बीजेपी वालों, तो आपको वोट क्यों कोई देगा? आप झूठ बोलोगे तभी तो आपको वोट मिलेगा। तो राहुल गांधी झूठ परोस रहे हैं जिससे कि लोग झूठ में आ रहे हैं, उनको लग रहा नहीं। और अब रही बात इसकी, करोड़ों की आबादी है, सबको रोजगार तो मिल नहीं सकता, सरकारी नौकरी, प्राइवेट तो बहुत मिल रही है। जैसे आप भी काम कर रहे हो, सरकारी नहीं हो आप भी प्राइवेट ही हो, हम भी काम कर रहे हैं, तो सबको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। और दूसरी बात, सरकारी जॉब में आप देखते हो जो बाबू हैं सरकारी कर्मचारी, उनको सैलरी भी हाई फाई चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, आदमी लगेगा तो वेतनमान वगैरह है 40-50 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, तो बताइए फिर इतनी सरकारी नौकरी कहाँ से आएंगी? तो इसीलिए उन्होंने प्राइवेट चीज़, और सरकारी आदमी काम भी नहीं करता। आप चले जाइए SBI बैंक, आपको एक काम के लिए कई दिन तक चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उनको भी ये बात पता है, बीजेपी वालों ने जब हार का सामना करा है तो उन्होंने सारा होमवर्क किया है, सब देखा है रियलिटी ग्राउंड जीरो पर जाके, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या नहीं, वो आज परेशानियों सॉल्व कर रहे हैं और लोगों के दिल में जीत रहे हैं। PM पद पे किसको देखते हैं मोदी जी के अलावा? मोदी 2034 तक PM बन रहे हैं, अमित शाह जी ने अभी बयान दिया है। हाँ 2034 तक, वो 10 साल और रहने वाले, हम लोग सोच रहे थे शायद योगी जी आएंगे इनके बाद, वो 10 साल तक अभी और संन्यास नहीं ले रहे हैं। मोदी जी के बाद योगी जी देख रहे हैं? वो तो बाद में आने, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? राहुल गांधी के बारे में क्या? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश संभाल रहे हैं, वो देश नहीं संभाल सकते क्या? और सबसे वैश्य संभाल तो राहुल गांधी नहीं बन सकते क्या? राहुल गांधी भी तो पीएम नहीं, इसीलिए नहीं बन सकते, उन्हें ग्राउंड लेवल जीरो का नहीं पता। आपको पता है वो जन्मदिन का केक एरोप्लेन में काटते थे, जबकि यहाँ लोग इतने परेशान थे, लोग सड़कों पे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज किसान क्यों नहीं आत्महत्या कर रहे? कारण सड़कों पर है आज। सुनो बात, वो किसान नहीं है, आप ये बताओ, मैं बताता हूँ, वो खालिस्तान, खालिस्तानियों का समर्थन है, और जो उसमें बेचारे कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, बुजुर्ग लोग, वो उनके कहे में आ रहे हैं कि चल भाई गांव के नाते या थोड़े से क्षेत्र के नाते चलो चलते हैं। हर कोई वहाँ नहीं बैठा, अगर पूरा पंजाब वहाँ बैठ जाए तब मैं मानूँ, पूरा पंजाब तो नहीं बैठा, कुछ ही लोग क्यों बैठे? पूरा पंजाब कितना बड़ा है, सब बैठ जाए वहाँ पे तो मानता हूँ मैं, नहीं बैठे वो, कुछ लोग बैठे हुए। वो कौन कुछ लोग हैं? वही विपक्ष के जो वोटर हैं, जो भटके हुए हैं, वो वहाँ बैठ गए उनके कहने पे। वो तो हर किसी में होते हैं भाई, विपक्ष में थोड़े बहुत तो वोट होते ही है ना, वो बैठे हुए हैं। उन्हें अभी बताओ, वहाँ के मर्सिडीज खरीद रहे हैं, बेंच खरीद रहे हैं, रेंज रोवर खरीद रहे हैं, वो किसान है। किसान तो तुम इधर जाके देखो पूर्वांचल में, यहाँ मिलेंगे तुम्हें किसान जिनके पास में पानी की व्यवस्था नहीं थी, दिक्कत थी, बुंदेलखंड में पानी नहीं पहुँच पाता था। देखो अभी जब मोदी जी आए, पानी की पाइपलाइन वहाँ पहुँची, पानी पहुँचा, तो समस्या वहाँ फैक्ट्री लग गई, वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, चीज़ें हैं। अब बिहार में क्या है? बिहार में देखो सड़कें बनी, अब लोगों को वहाँ विकास दिख रहा है धीरे धीरे। अब कश्मीर को देख लो, वहाँ देखो कितना तेज़ी से विकास किया, वहाँ फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ ये सब आ रही है, तो चीज़ें होती हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि बस कह दिया हो गया भाई विपक्ष। कुल मिला के बीजेपी के अलावा इस देश का कोई भी बेड़ा पार कर नहीं सकता। रही बात, कुछ भी कहते रहो करते रहो उससे कुछ नहीं होता। अब आप रेलवे स्टेशनों को देख लो, रेलवे स्टेशन कितने चमका दिए, आप बताइए कितने चमका दिए। पहले रेलवे स्टेशन पर आपको जाने का मन नहीं करता था, इतनी गंदगी होती थी। फिर अगर वो सरकारी के चक्कर में ही पड़े रहते तो ना तो सरकारी को नौकरी दे पाते और ना ही उनको तनख्वाह हो पाती। तो चीज़ें हैं बिहार के। बिहार के रहने वाले नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं बिहार? पता नहीं, मैं तो यहीं रह गया। अच्छा, महेश शर्मा को जानते हैं? जानता हूँ, साथ काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया है, देखा कभी? हाँ एक दो बार देखा हूँ, इलेक्शन के टाइम में। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में गए? सच बोला, बीच में तो मैं नहीं था ना। काम बहुत अच्छा किए हैं महेश शर्मा। हाँ महेश शर्मा अच्छा काम किए, बीजेपी में आए हैं, नीतीश कुमार भी अच्छा काम करेगा अभी।
हाँ काम अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी के साथ अच्छा रहता है। सच बोलो, बताओ अब चुनावों के टाइम पे आपने बोल तो दिया कि चुनावों के टाइम पे देखते हैं, आप दोबारा चुनाव आ रहे हैं, हाँ फिर आएंगे, ठीक है, चुनावों में किसकी सरकार देख रहे हैं, किसकी सरकार बीजेपी की बनेगी, किसकी बनेगी, जनता की मांग है वही बीजेपी। हाँ जी, क्या काम कर दिया ऐसा भैया बीजेपी ने, क्या काम किया सबको दिखाई पड़ रहा, काम क्या किया, काम तो किया है ना, जैसे क्या काम बहुत कुछ किया है, काम तो गिनती, चलो आप गिनवा दो, पहले तो झाड़ू नहीं लगता था सड़क पे, अभी 3 टाइम लग रहे हैं, धारा भी हटा कश्मीर का, और बोल हाँ 370 भी हटा, और CA लागू किया, और बताओ ये जो क्या बोलते हैं वो एक और CA के अलावा वो ट्रिपल तलाक का आया, हाँ 3 तलाक, उसके बाद लागू किया उज्जवल योजना, हाँ बहुत ज्यादा काम किया। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं, वो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकते हैं, तो कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार करके दिखा दे तो देखा जाए, वो तो 400 से ऊपर जाएगी बीजेपी, पीएम के पद पे नहीं देखते, नहीं नहीं वो 5 से 5 सीट आ जाए, बहुत है बहुत है। राहुल गांधी, राहुल गांधी का मुश्किल से पूरा देश में मिला के 10 क्या आलू को सोना बनवाया तब तो आएंगे राहुल गांधी, हाँ बनवाएंगे तो आएंगे, बनवा तो सही, आलू का सोना बना उनको पता ही नहीं है गुड़ कहाँ फलता है कैसे बनता है, तो प्रधानमंत्री बनेंगे, आँख मारने वाला क्या संसद में, आँख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हाँ संसद में आपने नहीं देखा है, हाँ ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए ना, प्रधानमंत्री अच्छे चाहिए, मोदी के बाद योगी का नंबर है, हाँ डिसाइड कर लिया जनता ने, पूरा जनता डिसाइड कर लिया है, क्या चाहती है अब की बात, किसकी सरकार बने, और सब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं पता ही नहीं है, नहीं अच्छा मोदी जी के बारे में जानती है, जानते हैं अच्छे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, योगी जी यो इधर आओ भाई मलिंगा, तुम भी इधर आओ, आओ मलिंगा इनसे भी बात करते हैं, योगी जी के बारे में जानते हैं, हाँ जानते हैं, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो मतलब वो बहुत सुधारे हैं यूपी को, और वो अच्छे अच्छे मतलब जो क्रिमिनल होता है वो सबको मार गिराए हैं, और क्या बस, अखिलेश जी क्या सोचते हैं अखिलेश जी के बारे में, क्या ख्याल है, वो भी अच्छे आदमी है, हमारे लिए सब अच्छे हैं, पर योगी जी जितना बेहतर है उतना अखिलेश जी बेहतर नहीं है, किसकी सरकार देख रहे हैं अब चुनाव है 24 में, चुनाव में तो हम मोदी का ही सरकार देख रहे हैं बीजेपी का, क्यों ऐसे ही, राहुल गांधी क्यों नहीं, नहीं क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए देश के लिए, बहुत चीज लाए भी, और देश का नाम रोशन किए, बहुत कुछ किए देश के लिए, इसलिए मोदी जी को चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों, राहुल गांधी भी तो अच्छे हैं, राहुल गांधी उतना बेस्ट नहीं है, राहुल गांधी के जिस समय कांग्रेस था उस समय इतना काम नहीं हुआ जितना काम मोदी जी ने किया है, इसलिए मोदी जी बेहतर है। क्या दोस्त कहाँ के हो, मैं मैडम यूपी लखनऊ का हूँ, जी जी, लेकिन हुलिया देख के नवाब नहीं लग रहे हैं, हुलिया तो है ना नवाब वाला, अच्छा ये अब चुनाव है लोकसभा 24, किसकी सरकार देख रहे हैं, सरकार तो बीजेपी अपना जिंदाबाद, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, क्या काम कर रहा है भैया, सब कुछ काम हुआ क्या नहीं हुआ, सब कहते काम नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ बताइए, तो घर का धुआं चोरी हो गया सिलेंडर दे दिए, काम नहीं हुआ, अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है, मैं उनको तो कुछ नहीं कहूँगा, वो भी अच्छे हैं, वो भी काम अच्छे किए हैं, तो वो पीएम क्यों नहीं बन सकते, अब पीएम वो नेशनल पार्टी नहीं है उनका कैसे बन सकते हैं, ये भी तो है, राहुल गांधी की तो चलो नेशनल पार्टी है, राहुल गांधी के बारे में वो तो नहीं बन सकते, वो कभी नहीं बन सकते, क्यों वो तो नहीं बन सकते, पप्पू भैया है ना वो, राहुल गांधी पप्पू भैया, जी बताइए, अखिलेश मिश्रा नाम है, मिश्रा नाम है, अखिलेश यादव के बारे में अखिलेश मिश्रा क्या सोचते हैं, अखिलेश यादव बहुत अच्छे आदमी है, योगी जी हम भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं जी, अब चुनाव है इसको वोट डाले भाजपा, क्या काम कर दिया ऐसा भाजपा, क्या नहीं किया है, ए जरा क्या नहीं किया है आप बताइए, आपको क्या नहीं दिख रहा है, हमें तो बहुत कुछ दिख रहा है, सबसे बड़ी चीज़ लोगों की ज़रूरतें थी, घर आवास शौचालय ये मूलभूत चीज़ें दी गई उनको, सब चीज़ पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है,
रोजगार पे काम हुआ है, डेवलपमेंट पे काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। तौर पर फिर कौन? मोदी, राहुल गांधी नहीं? तो उस बारे में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो देखिए काम करता है उसके बारे में बोला जा सकता है। पीएम मोदी ने काम किया है तो उनके काम के आधार पे है। राहुल गांधी ने आज तक एक पद लिया है तो बताइए, किसी पद पे काम किया हो तो बताइए, किसी पद पे काम ही नहीं किया है। जिस जगह सांसद थे उस जगह से सांसद छोड़ के चले गए ना, उस जगह हैं नहीं, अपनी जगह छोड़ के चले गए दूसरी जगह, वो तब काम आता जब वो अब एक ही। और अभी भी मैं यूपी का हूँ तो मैं अमेठी बता पाऊँगा कि अमेठी के थे तो अमेठी से छोड़ के चले गए ना। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी है, उन्होंने काम किया है तो जीतेंगी जी। कहाँ के रहने वाले? झारखंड के। झारखंड के? झारखंड से। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है अब की बार? इस बार राम मयूर ला रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी और क्या। अच्छा, क्यों बीजेपी की क्यों बनी? उसी की हवा चल रही है, लोग अच्छे काम किए, राम मंदिर बना और कई तरह के काम हुए, बहुत सारे काम हुए जिस कारण से। जनता के लिए क्या काम करा है? बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि जैसे क्या बोलते आप इधर आइए, मोदी है, नाम मोदी है, बोल तो रहे, इसका नाम मोदी है, बोल तो रहे। अब उससे बात करिए, पहले सोने चैन कौन गिफ्ट दिए? सोना क्या 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 काम करा आप बताइए। 370 किया, अयोध्या राम मंदिर बनाया, पहले उन लोग झुल्ला कर दिया, और क्या कर दिया, वही बताएगा वो मोदी है। उससे बात राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, काम करते हैं कुछ नहीं, सिर्फ बोलते जाते हैं उल्टे सीधे बोलते हैं, काम करना कुछ होता नहीं। अच्छा, महेश शर्मा जी को जानते हैं? हाँ जी। कैसा काम कर रहे हैं? काम सारे सही कर रहे हैं, अपना नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला में जी। काम सारे सही कर रहे हैं यहाँ पर, जो गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर मैं वहाँ पर मैं देख रहा हूँ अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी तो पता है, जगह का पता नहीं मुझे, मैं जिस जगह रह रहा हूँ यहाँ मुझे दिखता है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? पीएम बनने लायक है वो? जी नहीं लायक। क्यों? उसमें वो चीज़ का, वो बोलने का वो नहीं है, जहाँ जहाँ जो चीज़ बोलना है जो बोल रहे हैं, जहाँ बोल नहीं सकते हैं वो उल्टे ऐसे बोलते हैं, कई चीज़ ऐसे जो कि जहाँ जो होना चाहिए वो कहते नहीं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो बनेंगे नहीं, दोबारा कहाँ बनेगा? वो समाजवादी की पार्टी थे उसके समय, था बहुत परेशानी होती थी लोगों की, गुंडे ही राज था उनका, था बहुत लोग था, परेशानी होता था लोगों का, कुछ काम होता था तो सारे वही लोग खाने में सुनते नहीं थे किसी को। देखिए, हम लोग गौतम बुद्ध नगर की अट्टा मार्केट में मौजूद थे, जहाँ पर जनता का रुझान किस तरफ है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हालांकि यहाँ से महेश शर्मा को दोबारा टिकट दिया गया है और यहाँ की जनता भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता का रुझान क्या है, जनता की दिल की बात क्या है, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।